نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين। तो हमने लास्ट सेशन में शिर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था, और इस वजह से फिर जो ईमान का कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है तौहीद वो भी हमारे सामने खुल के वाजे हो गया था। आज के सेशन में हम इंशाल्लाह ईमान बिल आखरत को देखेंगे। आपसे मटेरियल शेयर किया जा चुका था, जिसके अंदर जो हमने जो मेन पॉइंट्स डिस्कस किए वो उसकी मैं समरी हल्की सी रख देता हूँ ताकि फिर हम क्वेश्चन लें। नजराती लिहाज से हमने वादा किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट ईमान ईमान बिल्ला ही है, लेकिन अमल के अतबार से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट ईमान जो है वो ईमान बिल आखिरा है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप ईमान बिल आखिरत के साथ है। ये फिर सहाबा कराम के ईमान का एक एनालिसिस आपके समझ रखा कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जो है उनका क्या नज़रिया था इस हवाले से, और ये एक्सप्लेन भी करता है कि उनका किरदार इतना बुलंद क्यों था, क्योंकि आखिरत के वाले से जो उनका अकीदा था बिल्कुल दुरुस्त था, उसमें कोई रखना मौजूद नहीं था, जबकि हमारा मामला इसके बरक्स है। तो इस पर हमने एक नैसन आपके सामने रखा। फिर अकीद रैल के हवाले से एक दलील तो वही कुरान मजीद का मौजज़ा है जो पहले हम तफसील से बयान कर चुके हैं। दूसरी बड़ी दलील इस हवाले से नफ्स लवामा है जो हमारे अंदर मौजूद है, हर शख्स जो है उसके बारे में जानता है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। ये वो नफ्स लवामा या जिसे ज़मीर भी हम कहते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट है हमारे हमारे वजूद का कि जो हमें टोकता है जब हम बुरा काम करते हैं, मलामत करता है। तो इसका तो मकसद तो है, उनके हर कायनात में जो शायद है उसका कोई ना कोई मकसद है। इस वाले से भी हमने मल्टीपल जो स्टेजेस का जिक्र किया था, किस तरीके से इंसान जो है वो इस हकीकत की बुनियाद पर आखिर तक पहुँच सकता है। तो ये दूसरी एक तरह से दलील बनती है, लेकिन एक जो अल्टीमेट दलील है, अल्टीमेट बुरहान है, वो हमारे पास कुरान मजीद तो है ही, उसकी शहादत है। ये तो अकली दलाइल हो गया। उसके बाद फिर हमने इसका कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट पेश किया, जैसे कि ईमान बिल्ला के वाले से कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, और उसमें जो हमने चीज़ वाजे की वो जैसे कि हमने कहा था ना कि जब तौहीद को हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है तो इसलिए उसकी ज़िद से हम उसको समझते हैं। इसी तरीके से हम ईमान बिल आखरत के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए उसकी ज़िद से उसको समझने की कोशिश हमने की है कि आखिरत के इनकार की भी सूरतें क्या हैं। अगर वो हमें मालूम हो जाए तो फिर हमें आखिरत के आखिर पर ईमान के जो की जो जुजियात हैं, इतकाजे हैं, वो हमारे सामने खुल के वाज़े हो जाएंगे। तो आखिरत के इनकार की जो मुख्य सूरतें हैं उसका जो है हमने तफसील से एनालिसिस किया है इस सेशन के अंदर। इसमें दो बड़े दो किस्म के इनकार हैं, एक तो जो है सरीहन इनकार है, जो जैसा कि इनकार सही मानों में जैसे इनकार कहा जाता है कि कोई शख्स जो है वो आखिरत को अगर मानता ही नहीं तो वाज़ इनकार करता है तब भी, या उसके बारे में शक करता है। तो दोनों सूरतें जो हैं ये इनकार की सूरतें। तो एक शख्स जो है वो आखिरत का अगर इनकार कर देगा तो दरअसल पता है उसके फिर अमल की इसलाह जो है वो करना मुमकिन नहीं रहता, क्योंकि उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो नेक अमाल क्यों करे, क्योंकि जब दुनिया में धोखा फरेब और झूठ और जुल्म से फ़ायदा होता है तो किसी को क्या पड़ी है कि वो इन चीज़ों से इज्तनाब करे इस दुनिया के अंदर। तो इसलिए ये तो जो लोग वाज़ेह तौर पर इनकार करते हैं आखिरत का या इसके बारे में शक करते हैं तो वो तो कभी भी उनकी इसलाह उस तरीके से नहीं हो सकती। लेकिन हमने कहा कि एक इनकार की दूसरी सूरत भी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिसमें उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत इल्ला माशाल्लाह जो चंद लोग हैं बच्चे में, लेकिन अक्सरियत इस पर पड़ी हुई है, और वह है इनकार माल इकरार की सूरत के। इकरार भी है साथ लेकिन इनकार हो रहा है, और उसमें वो बातें तस्वुरात हैं कि जिनसे आखिरत का तस्वुर जो है उसकी कोई हैसियत नहीं रहती, वो नल एंड वॉइड होकर रह जाता है। तो शफात का गलत तस्वुर उसमें सबसे नंबर वन पर है कि एक शख्स मानता तो है कि आखिरत होगी लेकिन वो कहता है कि जी शफात करके जो है आखिरत हम शफात करके हम बचा लेंगे, तो फिर सारी बात आखिरत की फिर इंपॉर्टेंस क्या रह गई। जब रोज़े महशर में खड़ा तो होना है और अपने अमाल का हिसाब किताब देना है, लेकिन सुपर सिस्टम में जो अल्लाह के हबीब हमें बख्शवा लेना है तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपने अमाल की इसलाह करूँ। इस तरह रहमत इलाही का गलत तस्वुर, जब अल्लाह ताला रहीम व करीम है और उसने मुझे बख्शी देना है तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपने अमाल की इसलाह करूँ। इस तरीके से ये नजदी या मजहबी इम्तियाज़ है, एक बड़ी बड़ी बुनियाद है कि जी यहूदी कहते थे कि हम ही जन्नत में जाएंगे और बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे, ईसाई कहते थे वही जन्नत में जाएंगे,
मुसलमान भी कहते हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे। तो जब ये बात सिर्फ नस्बत की बुनियाद पर यह तय कर लिया गया है कि हम तो जन्नत में जाएंगे, तो फिर मुझे क्या पड़ी है कि मैं अच्छे अमाल करूँ। जब जन्नत की सीट कन्फर्म है तो मुझे अब दुनिया में जो है बुरे अमाल से बचने की क्या ज़रूरत है। तो ये सारे जो हैं बेसिकली इससे इन तस्वुरात को अपनाने से आखिरत की नफ़ी हो जाती है। हदायत गलत तस्वुर जो हमने उसको भी देखा कि यहाँ पे तस्वुर क्या है कि हदायत अगर मिल जाएगी तो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती जो है हमें सीधे रास्ते पे चला देंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं, हदायत गाइडेंस है, रास्ता है जो अल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। चलना आपने खुद है, आपने खुद एफर्ट करनी होगी, खुद नफ्स और शैतान के खिलाफ जंग करनी होगी, अपने आप को जबरन इस पर चलाना होगा, वरना कोई दिल इस तरफ जो है मायल तो नहीं होगा इस तरीके से। इसी तरह तौफीक का गलत तस्वुर हमने वाज किया कि तौफीक क्या है, कि ये जो कैपेसिटी अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो सलाहितें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, जो नेमतें दी हैं, वो सब तौफीक है। अब अल्लाह ताला के ऊपर ब्लेम करने वाली बात है। ये दोनों जो है हदायत और तौफीक, इंसान अपनी बदआमालियाँ जो हैं उनको अल्लाह के सर डाल देता है कि देखें जी बस अल्लाह ताला ने हदायत ही नहीं दी मुझे, या अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता मुझे। हालांकि ये झूठ है, सरासर बुतान है अल्लाह ताला के ऊपर। अल्लाह ताला गाइडेंस भी देता है, अल्लाह ताला तौफीक भी देता है, लेकिन इंसान खुद है जो कि इस राह पे चलना नहीं चाहता और फिर बहाने बनाता है। तो ये सारे तस्वुरात हैं जिनको हमने तस्वीर से देखा। अब आगे उसके दलाइल आपने देख लिए होंगे, एक एक को हमने बड़े वाज़ेह तौर पर सामने जो है आपके रखा है कि किस तरीके से जो है ये अकीदा जब कोई अपना लेता है तो फिर अब उसकी इस्लाह करना मुमकिन नहीं रहता और उसका किरदार अब उसकी इस्लाहियत होती है। और ये जो इनकार की सूरतें हमारे माशरे में रची बसी हैं और यही वजह है कि हमारा किरदार जो है इतना पस्त है। इस हवाले से जो बड़ी खूबसूरत एक बड़ा ही खूबसूरत एनालिसिस है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तारीख बयान करते हुए वाज़ेह किया था कि ये जो अखलाकी गिरावट इनके अंदर आई, कि कहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको तमाम जहान वालों पर फजीलत अदा की थी। इनके अंदर अम्बिया और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का एक तवील सिलसिला जो है वो रहा, यानी इनके अंदर इनकी असलाह के लिए कोई शेख, कोई पीर, कोई वली नहीं आता था, बल्कि नबी अल्लाह की तरफ से तैनात होते थे। तो यानी वो अब इमेजिन कर सकते हैं कि ये इस कौम के अंदर भी गुमराही आ सकती है, लेकिन आई और इस हद तक गिर गए कि ये अपने नबियों को कत्ल करते थे और अल्लाह ताला की किताब को अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करते थे और चंद दुनियावी फायदे के, चंद टकों की खातिर, दुनियावी फायदों की खातिर वो अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करके कहते थे कि ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि अपना कलाम होता था। इतने संग दिल हो चुके थे, ये इतने गिर चुके थे। आगे जाके जब इनके अंदर गिरावट आई, उसका नक्शा जो है सूरह बकरा में अल्लाह ने खींचा है कि इबादत को पमाल करना इनका वतीरा था। और इनके अंदर सबसे बड़ा मशला ये बन गया था कि ये किस तरीके से जो है, जो किसी की बीवी पे अगर कोई बंदा अब फरिश्ता हो गया है तो अब उसका प्लान ये होता था कि उसकी बीवी को वहाँ से तलाक दिलवाए, छुड़वाए और अब अपना अपने जो है कदमों में लेकर आए, और इस चक्कर में फिर जादू टूना और इस तरह की चीज़ें चलती थी। इस हद तक कैसे गिर गई ये कौम, तो अल्लाह ताला ने इसका कंक्लूजन ये ड्रा किया। अल्लाह ताला कंक्लूजन जो है अल्लाह ताला का है बिल्कुल वाज़ेह है, ठीक है, और बता दिया अल्लाह ताला ने इसका असल रीज़न क्या है। हम तो सारी बात है तखमीन की बुनियाद पर कंक्लूजन करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तो तखमीन नहीं होता, वो तो हतवी बात है जो अल्लाह ताला ने की है। तो अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिक बिअन्नहुम, ये सब किस लिए हुआ, ज़ालिक बिअन्नहुम कालू लन तमस्सना नार इल्ला अय्यामा मादूदात, ये सब के सब जो गिरावटें इनके अंदर अखलाकी बदआमालियाँ आई, इसकी एक वजह थी और वो उनका वो बातिल नजरिया था आखरत के हवाले से, कि वो ये समझ बैठे थे ये जो यहूदी थे कि हमें तो आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन और बस, फुल स्टॉप, गिनती के चंद दिन हमें आग छुएगी और बस हम जन्नत चले जाएंगे। यानी हमारे से हर हाल फिर भी वो बेहतर थे, क्योंकि उनके यहाँ अकीदा थोड़ा ये तो था ना कि कुछ चंद दिन हमने जाना है जन्नत में, जबकि उम्मत मुस्लिमा का आप किसी फर्ज से उठा के देख लें आज बड़ा वो कोई एक बंदा भी कह दे कि मैं जनाब मैंने जन्नत में जाना है, कोई जन्नत में जाने को तो प्लान ही कोई नहीं किसी का, सबकी जो सबके टिकट कटे हुए हैं जन्नत के। तो फिर तो ये इस हालत में हमने पहुँचना ही है, जिस हालत में जो है भाई बनी सईद पहुँच गए थे उससे हम आगे हैं, चार हाथ आगे हैं। तो इस अकीदे की इस्लाह के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते, हमारी ना तो दुनिया से बच सकती है ना आखिरत से बच सकती है। तो इस वाले से ये तफसील एनालिसिस आपके सामने आया है। अब मैं क्वेश्चंस आपके जो है वो ले लेते हैं। जी शुक्रिया मुदस्सर भाई। सबसे पहले हमारे दोस्त अरसलान साहब ने हैंड रेज किया है। अरसलान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
अरे बहुत अच्छा है आपका लेक्चर होता है। और दर्शन भाई एक छोटी सी गुजारिश भी थी कि जो क्विज है उसका लिंक भेज दीजिएगा ताकि वो मैं सॉल्व कर दूँ, क्योंकि क्विज के लिंक हो सॉल्व करूंगा तो इंशाल्लाह वो जो है लिंक के जरिए कनेक्ट हो जाएगा जी सिलसिला। इंशाल्लाह वो क्विज शेयर तो आपसे हो रहे हैं, वो उसमें आप सबमिट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मेरे पास यार पहुंच नहीं सका, इस तरह का सिलसिला हो गया था कोई, तो अच्छा, वो असल में पीडीएफ जो शेयर अभी होती है अभी ना, मुझे उसके मिल अंदर नहीं रहा सारे, है फिर कोई इसका, तो जो अगर आपसे एक वो आप डॉक्यूमेंट भेज शेयर हो सके रहा है तो ना आप। पीडीएफ का, उसके अंदर सारे लिंक्स मौजूद हैं, तो उनको आप जरूर जो है। अच्छा जी मतलब कि सर एक तो होता है पीडीएफ में होता है ना, तो वो प्रेस करने से वो ओपन नहीं होता वो, जबकि अलग से जब लिंक आता है तो वो ओपन करके हम उसमें एंटर हो जाते हैं और ठीक, फिर मैं समझ सॉल्व गया। कर लेते हैं, तो वो मैं आसान तो आसानी हो जाती है चंबे उसमें। नोट कर लें, काइंडली सेपरेट भी लिंक्स जो है शेयर करते हो। जी, मैं शेयर कर दूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया सरफराज भाई। अच्छा मुदस्सिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो आपने आखिरत के तसव्वुर की बात कही है, तो इसमें मैंने अपने माशरे के अंदर जो देखा है वो दो तबके देखे हैं। एक तो वो तबका है जिनका आपने जिक्र किया कि कोई पीर साहब है उनका, उसने कह दिया कि भाई यही मुझे बख्शवा देंगे, तो ये ज्यादातर ज्यादा पढ़ा लिखा तबका नहीं है, ये मतलब एक जाहिल से लोग ज्यादातर इसमें हैं जो जिनका इस तरह का मामला है। लेकिन हमारे यहाँ एक जो अहले इल्म तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, तो उसके साथ भी जब उठना बैठना हुआ मेरा, तो मैंने देखा कि उनमें भी आखिरत का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यानी मिसकॉन्सेप्शन उनमें के अंदर भी मौजूद है। मिसाल के तौर पे जैसे कि एक साहब है तो वो बिल्कुल उनका आखिरत का तस्वुर सही है बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि उनके अंदर नरमी के मामला नजर नहीं आए कुछ सोबत में बैठना हुआ तो, बल्कि सख्ती है उनके अंदर, मामला के अंदर कोताहियां हो रही हैं। तो पता ही चला कि वो अपने आमाल के ऊपर बहुत ज्यादा उनका अपना जो है अच्छा, वो दोजख का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जन्नत में जाना है पक्का पक्का। तो इस एतबार से ये मामलात होने की वजह से बहुत से जनरल उमूर के अंदर, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी सुन्नतें हैं अखलाकियात, नरमी या पड़ोसियों के हकूक वगैरह, रिश्तेदारों के हकूक, सिला रहमी, इन तमाम चीजों के अंदर जो कोताहियां हुई उन लोगों से कुछ सरजद हो रही हैं, तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो इस बारे में हम यानी वो इस मामले में इस हद तक कॉन्फिडेंस के साथ ये गुनाहों में मुबतला हो चुके हैं कि वो नाकाबले इसलाह हो चुके हैं वो लोग, जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि जो मगरबी माशरा है जो सेकुलर जिसे हम कहते हैं, तो उनके यहाँ फिर भी हमें काफी अखलाकी तौर पर जाहरी एतबार से कुछ चीजों में अखलाकियत नजर आती है, कि जैसे वो किसी के दिल आजारी ना हो, एक उनका ये कॉन्सेप्ट तो कम से कम काफी हद तक उन्होंने इस पे रखा हुआ है सिलसिला। तो हमारे यहाँ जो है वो दिल आजारी के मामला के अंदर जो है वो नजर नहीं आता ये, तो इस हवाले से थोड़ा रोशनी डाल दीजिएगा। जी देखें, बात है कि वहाँ पे जो तस्वुर है ना, वो ह्यूमनिज्म का तस्वुर है कि वहाँ पे फिजिकल हार्म या दुनियावी लिहाज से कोई हार्म अगर किसी के ऊपर होता है तो उसको तो उन्होंने एक कदर के तौर पे बरकरार रखा है कि कोई किसी को तकलीफ ना दे, तो ऐसी इस पे फोकस किया और उस पे बहरहाल उन्होंने ऐसा माशरा कायम किया है जहाँ पे जो है इसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन इससे आगे बढ़कर जैसे जना है, वो क्योंकि वो मसला स्पिरिचुअल, वो कोई स्पिरिचुअल डोमेन का ही है, वो फिजिकल डोमेन का तो है नहीं है उस तरीके से, तो उसका कोई उनको शऊर नहीं है इस तरीके से। और भी जो शराब शराब है, जुआ है, और इस तरह की जो सारी खराबियां हैं वो उनके अंदर मौजूद हैं। या फिर यह है कि जो कमजोर अकवाम के ऊपर अपना तसल्लुत जमाना और उनके उनको एक्सप्लॉयट करना, ये सब चीज़ें जो है उनके लिए कोई मैटर नहीं करती हैं कि ये कोई बुरी चीज़ें हैं। तो वो बहरहाल एक तसव्वुर तो उन्होंने अपना अपना लिया ना, यानी वो भारत मामला ये ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो दुनियावी लिहाज से तो बहरहाल उनका सही सिस्टम बात निज़ाम है। है। हमारा तो मामला ये है ना कि हम देखें, यकरुखापन होना चाहिए, ये बात याद रखें, इंसान को अल्लाह तआला ने ना यकरुखा ही बनाया है, वो दोगलेपन के साथ चल नहीं सकता, ठीक है ना। तो बिल्कुल इकबाल भी कहते हैं ना कि नारा मस्ताना काबा होके बुतखाना, ठीक है, एक तरफ हो जाओ काबे के लिए या बुतखाने के लिए चलो। जब अबू जहल भी इकबाल के नजदीक, अबू जहल भी मुखलिस था, कुफर पे तो मुखलिस था ना कम अज कम, ठीक है, तो उससे उनसे बेहतर है, यानी मुनाफिकीन उससे निचले दर्जे में होंगे। आप देखें कुफार से मुनाफिकीन जो है निचले दर्जे में, तो इसलिए यकरुखापन होना चाहिए। और हमारा मामला यह है कि हम बैन बैन फंसे हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो या तो आखिर उखरवी लिहाज से पूरी तरह पक्के हो जाए, या फिर ये तो नहीं हम कह सकते बतौर मुसलमान के क्या दुनिया में पुख्ता हो जाए। बहरहाल वो थोड़ा बहुत भी इस्लाम है तो ये भी गनीमत है, लेकिन जो है समझने वाली बात यही है कि हमें यकरुखापन जो है वो अपनाना होगा।
और इसीलिए जब वो मटेरियलिज्म का उनका नजरिया है उसी पर वो यकूस तौर पर खड़े होते हैं, तो फिर दुनिया में तो उनको इज्जत मिली हुई है, दुनिया में तो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उनके मामला हमसे बेहतर है, लेकिन उखवी लिहाज से बिल्कुल उन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया अपना। आखिर का तो बिल्कुल इनकार है, वहाँ पर खुदा का तो खुदा की तोहीन भी है, दीन की भी तोहीन है। तो जरिए ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़े जराइम हैं, लेकिन जो मादी लिहाज से जो है वो हमसे बेहतर है। हमारा मामला ना मादी है ना रूहानी है, ना उखरवी है ना दुनियावी है। तो हमारा हालांकि मुसलमान का मामला क्या होना चाहिए कि दोनों चीज़ों में उसको जो है ना एक स्टैंडर्ड अचीव करना है, दोनों दोनों एक्सेलेंस दोनों सूरतों में उसके पास होनी चाहिए। और वो जो आपने बात सही की कि हमारे यहाँ तो ये इखलाकी गिरावट जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बद इखलाकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अनफॉर्चुनेटली दीनी तबकात के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। और जिस बल्कि इखलाकी सतह पर वो गिरते हैं उतने तो शायद सेकुलर भी नहीं गिरते, मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात कहनी पड़ती। तो ये है कि ये एक अनफॉर्चुनेट मामला है, और ये इसकी वजह ये है कि उखरवी आखरत के ऊपर जो ईमान के वाले से रखना है, कहीं कहीं ना कहीं पे गड़बड़ है जिसकी वजह से ये सारा मामला फिर अमल के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। अगला सवाल हम लेते हैं जुबैर इस्लाम साहब से। जुबैर इस्लाम साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा एक सवाल है ये हदायत के रिगार्डिंग, कि ये हम जिस तरह कहते हैं हदायत तो सिर्फ अल्लाह के, जी हम हदायत की दुआ मांगते हैं तो अल्लाह कबूल करता है, ज़रूर उसको कबूल करता है, बाकी शायद दुनिया की चीज़ें मांगे तो शायद ना कबूल करे, लेकिन हदायत जो मांगेगा उसको ज़रूर कबूल करेगा। तो ये क्या बात सही है? और अगर कोई दुआ मांग रहा है और एक्शंस उसके जो हैं वो हदायत की तरफ, जैसे दुआ तो मांग रहा है लेकिन उसके जो अमल हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, तो कैसे ये इस पे तो देखें कैसे कबूल होगी ये दुआ? हदीस कुदसी है जी, वो तो बड़ी बात है, इसका जवाब आपको उसमें मिल जाता है। ये जो सूरह फातिहा की तशरीह है बेसिकली, वो इसमें आप सल्लम जो है फरमाते हैं कि अल्लाह ने नमाज को बंदे और अपने और बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया है, आधा हिस्सा बंदे के लिए, आधा जो है वो रब के लिए है। और फिर आगे सारा आप सल्लम ने बयान किया कि जब बंदा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि मेरे बंदे ने मेरा शुक्र अदा किया, ठीक है, हमीदनी अब। और जब बंदा कहता है कि रहमान रहीम, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि असना अलैया आबदी, कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की, ठीक है। और जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह की तरफ जवाब आता है कि मज्जदनी आबदी, कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और अब फिर जो है जब हम कहते हैं कि इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, तो अल्लाह की तरफ जवाब आता है कि हाज़ा बैना व बैना आबदी, हाज़ा बैनी व बैना आबदी वली आबदी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान एक अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और अब है मेरे बंदे के लिए जो वो मांगे। कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, यानी ये मुश्तरक है, ये वो चीज़ अल्लाह फरमाते हैं ये तय हो गया है। वो क्या है? वो हम अगर अहद कर लें, आज अहद कर लें, गारंटी है अल्लाह की तरफ से हदायत मिलेगी। ये हदीस कुदसी इसकी उसके ऊपर शाहिद है, गारंटी है इसकी। लेकिन अहद बहुत बड़ा है, छोटा अहद नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। हमारे तो खैर वो फरान साहब ऐसे कह देते हैं तकरीरों में, लेकिन यह है कि ये छोटी बात नहीं है। इय्याका नअबुदु का मतलब क्या है? कि अल्लाह आज से पहले मैं जो गैर अल्लाह के सामने झुकता था, ठीक है, मैं जो गैर अल्लाह के साथ लो लगाता था या उससे उम्मीद रखता था, मैं वो सब उम्मीदें तर्क कर दूंगा, मैं वो सब बंदगियाँ छोड़ दूंगा, मैं अब सब गुलामियाँ छोड़ दूंगा, ना मैं अब्दुल दिनार बनूंगा, ना मैं अब्दुल नफ्स बनूंगा, ना मैं किसी सिस्टम का गुलाम बनूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अब तेरा गुलाम बनूंगा, सिर्फ तेरी बंदगी करूंगा, सिर्फ तेरे सामने झुकूंगा, ये मेरा वादा है, पक्का वादा है। दूसरा इय्याका नस्तईन, या अल्लाह इससे पहले मैं अगर किसी के आगे हाथ फैलाता था, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, अब मुश्किल पड़ेगी, जब भी दूर पड़ेगी, मैं तेरे दर पे आऊंगा और सब दरों को छोड़ दूंगा, सिर्फ तेरा दर पकड़ूंगा। खुद बताएं ये छोटा है।
शौरी तौर पे अगर ये अहद किया है अल्लाह ताला से, एक नमाज जिंदगी तब्दील करने के लिए काफी है, एक नमाज। ठीक, आज अहद करें, अल्फाज हैं हदीस के, जब बंदा कहते हैं ना अहदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे ने जो मांगा उसे मिल गया, ग्रांटेड। ठीक है, अल्लाह ये हदीस कुदसी है, आप सब ने अल्लाह की बात जो है वो कोट की है, और ये इसमें गारंटी है कि हदायत मिलेगी, एक नमाज जिंदगी तब्दील कर देगी, लेकिन अहद खालिस चाहिए, अहद हम करने को तैयार नहीं होते। मसला वही है, अहद करें तो बिल्कुल ये अल्लाह ताला ज़रूर हदायत देगा, लेकिन अहद नहीं करेंगे फिर हदायत की दुआएं मांगते रहेंगे तो कितनी कबूल होंगी। फिर अल्लाह ताला ने और भी उसकी इंडिकेशन बताई हैं, जैसे वो जो सूरह तौबा में बताई कि कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इख्तलफ्तुमूहा व तिजारा तख्शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامري والله لا يهدي القوم الفاسقين। ये मोहब्बतों की बात है, आठ मोहब्बतें एक तरफ हैं एक तराजू में, और तीन मोहब्बतें दूसरी तरफ हैं, एक तरफ सारी मोहब्बतें अल्लाह ने जमा कर दी हैं, माँ बाप की मोहब्बत है, भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बीवियों की, और रिश्तेदारों की, और माल माल जो हम जमा करते हैं, बिजनेसेस हमारे कैरियर उनकी मोहब्बतें हैं, घर जो हम बड़े शौक से बनाते हैं, ये सारी मोहब्बतें एक पलड़े में डालें, और दूसरी तरफ तीन मोहब्बतें अल्लाह ने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल पर सल्लम की मोहब्बत, और उसकी राह में उसके दीन के लिए जिहाद करने की मोहब्बत, ये अगर ये पलड़ा भारी है वो हल्का है आठ वाला तो फिर तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देते, अब जो मर्जी इंसान कर ले, अल्लाह ताला का ये फैसला है जो उन्होंने बयान कर दिया कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते। तो ये वो सारी फिर चीज़ें हैं जिनका हमें जिनको हमें मद्दनजर रखना है, लेकिन पहला वादा वही है इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, इंशाल्लाह हिदायत मिलेगी लाज़िम। जी शुक्रिया बहुत जी। एक और सवाल था मेरा ये नफ्स के मुतल्लिक, जिस तरह हम कहते हैं तीन किस्म के नफ्स हैं, एक नफ्स अमारा है, एक नफ्स लवामा है, और नफ्स मुतमाइना, तो ये जो नफ्स हैं ये रूह के अंदर हैं या जिस्म में हैं, ये होते कहाँ पे हैं? असल में ये इसके अंदर एक डेफिनेशन तो नहीं है, असल में नफ्स की सही मानों में जो इस पे स्कॉलर्स बात करते हैं कि नफ्स की ओवरऑल हालतों का जिक्र है। ठीक है, नफ्स इंसानी जो है उसके अंदर रूह भी है, उसके अंदर जिस्म भी है, उसके अंदर शऊर भी है, तीन चीज़ें हैं। जैसे अगर आप वेस्ट में भी जाके देखें तो उधर भी ये यही बात है, माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक है, माइंड बॉडी और सोल, तो शऊर रूह और बदन जिस्म, ठीक है, तीन चीज़ें हमें अल्लाह ने अता की। तो जिस्म है हमारा, जैसे जब फ्राइड एनालिसिस करता है तो वो इड कहता है, लिबिडो कहता है, वो कहता है कि ये जो है ना एक एनिमल सेल्फ है हमारे अंदर, ये बुराई की तरफ आपको लेके जाता है। कुरान भी इसके बारे में क्या फरमाता है कि इन नफ्स अल अमारा तुम बिस्सू, ठीक है, नफ्स जो है वो तो बुराई का ही हुक्म देता है, बुरी चीज़ है। दूसरी तरफ जो है रूह रबानी है, वो अल्लाह की तरफ से है, बड़ी लतीफ़ शय है, शायद उसी का ही एक फंक्शन है मलामत करना। अच्छा, वो रूह रबानी जो है उसमें मार्फत इलाही भी है, उसके अंदर अच्छाई बुराई की तमीज़ भी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे उस रूहानी वजूद के अंदर, यानी रूहानी वजूद जो है वो एक खैर है उसके अंदर, जो जिस्मानी वजूद है उसके अंदर शर का अंसर है, और शऊर बहरहाल वो फैसला करने वाला है, जो आखिरी फैसला तो शऊर ही करता है। बेसिकली मैं और आप सही मानों में तो वह शऊर हैं, जो मेरा शऊर आपके शऊर से अभी मुखातिब है, तो शऊर ने जारी बात फैसला करना है, लेकिन शऊर अपने फैसला करने में खुद मुख्तार नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, तो एक तो शऊरी ताकत शैतान की है जो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है गुनाहों की तरफ, दूसरी तरफ नफ्स है जो उसके बुराई की तरफ लेके जाता है, और तीसरी तरफ जो है वो हमारे पास वो है दूसरी तरफ। एक तो ये एक प्रोडक्ट, एक तरफ देखें तो शैतान और नफ्स हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारा हमारी रूह रब्बानी है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। और वो अगर शऊर में हम वो कुरान का इल्म ले आए, दीन का इल्म ले आए, जो कि दीन हदायत है, वो अगर हमारे पास होगा तो हम वो शैतान के वसावे से टक्कर ले सकते हैं, और अगर हमारी रूह जो है वो तकवीत पकड़ेगी, मजबूत होगी, तो वो इस नफ्स हैवानी पर जो है अपना अपना तसल्लुत जमा के रखेगी।
अब ये पूरा नफ्स इंसान का एक पूरा मॉडल आपके सामने है। अब ये स्कॉलर्स ने जिस पर बहस की है वो ये कि अगर आपके वजूद पर, ये जो हमारा पूरा वजूद है जो तीन कंपोनेंट्स पे बना हुआ है, ठीक है, शऊर, रूह और बदन, इस वजूद के ऊपर अगर नफ्स गालिब आ गया है, ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि ये नफ्स अमारा के, यानी ये जो नफ्स है ये नफ्स अमारा कहलाएगा, ये गुनाहों के अंदर अब ये फंसा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर जो है अगर वो नफ्स रूहानी या जो आपका जो रूह है वो गालिब आ गई है, तो फिर ये जैसे हम इसे कहते हैं एक नेक्स्ट लेवल पे जाके कि ये वो एक है जिससे नफ्स लवामा हम कहेंगे, इंसान की नफ्स की जो हालत है वो नफ्स लवामा की है कि अब जो बुराइयां करता है तो उसके अंदर एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स है जो उसे रोक देती है। लेकिन अगर तीनों चीजें हार्मनी में आ जाए, जब शऊर भी पूरी तरीके से हदायत को समझता है, जब नफ्स अमारा जो है वो काबू में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, नफ्स हैवानी कभी कुवत पकड़ जाए, तो इस वक्त फिर इंसान के नफ्स की जो ओवरऑल हालत है वो मुतमइना की, ठीक है, वो मुतमइन हो जाता है अपना अपनी जो अपनी जो लाइफ से। तो ये एक मुख्तलिफ हालतों की बात है, बाद में उनको नफूस भी कहा है। जी इसमें जो जो नफ्स लवामा है ये क्या अप्रिशिएट भी करता है अगर कोई अच्छा काम करे, जिस तरह आपने कहा कि कोई गलत काम करेगा तो वो मलामत करेगा, तो कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी अप्रिशिएशन भी नफ्स लवामा का फंक्शन, नफ्स रूहानी को आप कहें, नफ्स रूहानी का एक फंक्शन मलामत करना है और दूसरा फंक्शन जो है वो अप्रिशिएट भी करना है, ठीक है। नफ्स रूहानी मार्फत इलाही भी अपने अंदर रखता है, अच्छाई और बुराई की तमीज भी रखता है, तो हम नफ्स रूहानी को कह सकते हैं कि वो एक ऐसा नफ्स है कि जो ये फंक्शंस जो है सर अंजाम देता है। और जो हम कहते हैं इंसान की नेचर होती है जिस तरह अच्छे बुरे की तमीज, यानी कि सच बोलना है झूठ नहीं बोलना, चाहे वो अल्लाह के पर ईमान लाता हो या ना लाता हो, ये भी ये हम कहेंगे ये बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से ही हमारी रूह में डाल दिया गया है। ये नफ्स रूहानी बेसिकली फाल हमहा फजूर रहा व तक्वाहा वाली जो बात है ना कि वो जो अच्छाई बुराई की तमीज लाने सिखाई, तो ये उस नफ्स रूहानी की वजह से है जो हमारे हर बंदे के वजूद में मौजूद है, उस वजह से वो खैर का एलिमेंट आपको हर किसी में नजर आता है, इवन के काफिर में भी नजर आता है कि वो नफ्स रूहानी है कि उसकी कोई ना कोई रमक मौजूद होती है, लेकिन जब उसको खुराक ना दी जाए तो फिर ये कमज़ोर होता रहता है, यहाँ तक कि फिर ख़त्म भी हो जाता है या दब जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसके साथ होता है और फिर इंसान फिर हैवान ही बन जाता है, फिर उसके बाद नफ्स वही रह जाता है हमारा, और शऊर जो है उसके उसको जो है अगर हदायत का इल्म नहीं है उसके पास तो बस फिर वो बंदा जानवर है, बल्कि जानवर से भी बदतर है। इसमें आपने जो लेक्चर में बताया था कि जी कुछ लोग होते हैं जो उनको गुमान है कि पता नहीं आखिरत होगी भी या नहीं भी होगी, और गालिबन कुरान मजीद में भी आया ना जिस तरह वो लोग कहते हैं एक तो आखिरत आएगी नहीं और अगर आई भी तो हमें उधर भी ऐसा ही रिवॉर्ड मिलेगा जिस तरह इस दुनिया में मिला हुआ है, जिस तरह की चीज़ें, तो इसका मतलब है ये कुछ मुशरिकीन में ऐसे लोग थे जिनको गुमान था या तो उनको थे बीच में डुअल माइंडेड थे आखिरत के मामले में, मल्टीपल किस्म के लोग थे वहाँ पे कुरान में उनको कैटेगराइज किया गया। कुछ लोग मानते थे कि आखिरत होगी लेकिन यह कि हाउ ला शफाउन इंद अल्लाह, कहते थे ये तो हमारी शफात कर लेंगे, सिफारिश कर देंगे, ये बुत वगैरह जो थे या रिश्ते जो अल्लाह की बेटियां हैं वो हमारी सिफारिश कर देंगे। कुछ का ये अकीदा था, कुछ का ये भी अकीदा था, कुरान में ही उसका जिक्र आता है कि जो है ये हमें ज़माना ही मारता है, ठीक है, आखिर वाखिर कोई नहीं है, या फिर इस पर ताजुब होता था उनको कि आयजा मितना व कुन्ना तुरावन, जब क्या हम मर की मिट्टी हो जाएंगे, ज़ालिका रजुम बईद, हमारा वापस आना बड़ी दूर की समझ आने वाली बात नहीं है। तो अरे हर किस्म के लोग मौजूद थे उस सोसाइटी के अंदर, जैसे आज हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी वो एग्नोस्टिक्स कहते हैं उनको, ये जो शक में जो कहते हैं ला अदरी, कहते हैं ना ला अदरियत, ये ला अदरियत का जो नज़रिया है ये आज एक बड़ा प्रवेलिंग नज़रिया है, कुछ दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर अब एग्नोस्टिक्स ही हैं। एथियस्ट वो होते हैं जो मानते नहीं, वो कहते हैं नहीं आखिरत भी नहीं है, अल्लाह भी नहीं, लेकिन वो बहुत कम है दुनिया में, ज्यादातर जो है ना वो कहते हैं कि हम इस पे शक में, पता नहीं है या नहीं,
अल्लाह, लेकिन एक्चुअली इसका भी नतीजा ये है कि इम्पोर्टेंस खत्म हो। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जुबैर इस्लाम साहब। और कोई हमारे दोस्त, अगर आपके पास आपके जहन में कोई सवाल है तो हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में लिखें अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं है, ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें। और इसी दौरान मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता चलूंगा कि आप अपनी अटेंडेंस बराए मेहरबानी लगाते रहा करें, ताकि आपके जो ऊपर आखिर के जो रिजल्ट्स हैं उनको अफेक्ट ना करें। जी, मोहम्मद वलीउल्लाह साहब ने हैंड रेज किया है। मोहम्मद वलीउल्लाह साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ये मौलाना साहब, मेरा एक सवाल ये है अजाब कब्र के हवाले से कि मग़फ़िरत और अजाब, जिस तरह आपने इस स्लाइड में हमें दिखाया है कि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और इसका अजाब दोनों पर हक है, तो अक्सर अज़ाब का कोई माहियत मुर्दे को कब्र में रख लिया जाता है। दोबारा अपना क्वेश्चन दोहराइएगा क्योंकि आवाज थोड़ी सी कट। साहब आपकी आवाज थोड़ी सी जान क्लियर नहीं थी। डिस्कनेक्ट हो गए। जी मोहम्मद वलीउल्लाह साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक सवाल लिख के आया है जी मुदस्सर भाई, एक और दोस्त ने सवाल लिया है, आपके गोश गुजार करता हूँ कि क्या अजाब कबर इस दुनिया में है या आलम अरवाह में, काइंडली रोशनी डालें। देखें, अजाब कबर जो है वो आपके शऊर को तो एक्सपीरियंस होता है। अब इसमें दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक राय तो यही है कि जो हमारी जो रूह है वही इसको सहती है, यानी ये रूह जो है, अगर तो अच्छे बंदे की रूह थी तो ये आपको पता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन होती है इल्लीयीन में, और उसके बाद फिर ये वापस लुटाई जाती है और फिर ये राहत पाती है कब्र के अंदर। ठीक है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या कि जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है, और अगर ये बुरे शख्स की रूह है तो ये फिर वो सिज्जीन में जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और फिर दोबारा लौटाई जाती है और फिर ये एक्सपीरियंस करती है अजाब कब्र। ठीक है, तो एक तो राय ये है। दूसरी राय ये है कि नहीं, रूह जब एक दफ़ा ले ली गई तो वो अब रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाती है। इसके लिए एक और जिस्म अल्लाह ताला अता करते हैं जिसे बरज़खी जिस्म कहते हैं। वो बरज़खी जिस्म जो है फिर उसके ज़रिए से वो अजाब होता है। बरल वो ये जो दुनियावी जो जिस्म होता है वो नहीं होता, वो एक कोई और ही जिस्म है जो अल्लाह ताला अता करते हैं जो बरज़खी जिस्म कहलाता है। उसके ऊपर फिर ये अजाब होता है या राहत जो भी है, कोई नेक बंदा है तो उसको राहत मिलती है। तो ये कुछ इस पे इख्तलाफ है, एक डिस्कशन है इसके ऊपर। जी मुदस्सर भाई, और तो कोई सवाल लिख के हमारे पास नहीं आया। मोहम्मद वलीउल्लाह साहब भी दोबारा
कनेक्ट नहीं हो पाए, तो अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी ये, ईमान बिल आखिरत, जब तक कि हमारी इस कौम का ठीक नहीं होगा, अगर हमारा नहीं ठीक होगा हमारा अमल नहीं ठीक हो सकता, सीधी सीधी बात है, और कौम का ठीक नहीं होगा तो कौम इस जवाल से नहीं निकल सकती, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा एनालिसिस नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का ये अल्लाह ताला ने नतीजा यही हमारे सामने पेश किया है कि बनी इसराइल की इखलाकी गिरावट और उनकी उनके जो है उनकी बदअमालियाँ, उसकी वजह एक नज़रिया थी, एक अकीदा था जो आखिरत के हवाले से उन्होंने घर लिया था। ठीक है, गर रहूँ पे दीन हिम माँ कानून यफ्तरून, रखते हैं कि इन्होंने जो अपनी खुद साख्ता घड़ी हुई बात थी उसने धोखे में डाल दी है। ठीक, तो ये भी हमारी अपनी मन घड़त बातें, अल्लाह बख्श देगा जी खैर है, या फिर हमें जन्नत पहुँच ही जाना है, कोई मसला नहीं, आप सस्म सिफारिश करा के ले ही जाएंगे, और या फिर यह है कि अल्लाह हदायत देगा तो फिर देखेंगे, वैसे तो मुझसे काम नहीं होता, ये सारी हमारी मनगढ़ंत बातें हैं जो जो कि हमें इस मुकाम पे ले आई हैं, तो इसका इसकी इसलाह होना बहुत ज़रूरी है, इसकी ख़ास तौर पे इस पर तवज्जो दें, और इसलिए मैंने सहाबा कराम का जो है ईमान बिलाखरा आपके सामने तफसील से इस वाले से इसमें पेश किया है कि ख़ास माज़ब ने जबल की जो हदायत जो रवायत है वो वाकई हिला देने वाली है, तो उसको ज़रूर सुने समझें, अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, और शैतान की चालों को समझें, वो इसी अकीदे के ऊपर सबसे पहले हमला करेगा, क्योंकि उसको पता है ये अकीदा ख़राब हो गया तो आप अमल से दूर हो जाओगे, और अमल से दूर हो गए तो फिर उसके लिए तरने वाला है जब मर्जी जो है उसको नोश फरमाए, तो इसलिए हमें इस बात पर जितना विजिलेंट रहना चाहिए, तो इसी पे फिर अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारी इस काबिश को हमारे ये सीखने सिखाने दीन के सीखने सिखाने का जो ये मामला है इसे कबूल फरमाए, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वअफ़ दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही वअला आलिही वसहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।